अस्सलामुअलैकुम, रीना सी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के पैटीज, ब्रेड के सैंडविच, जो आपको बोलना है वो बोल सकते हो। इसके लिए चाहिए ब्रेड, अगर ऐसा वाला ब्रेड होगा तो भी चलेगा, मतलब जो भी ब्रेड आपको चाहिए वो ले सकते हैं। सैंडविच ब्रेड होगा तो भी चलेगा, ले सकते हो आप। मैंने ये वाला लिया है, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है ये सात आठ आलू लिए हैं। मेरे पास छोटे छोटे आलू थे इसलिए मैंने इतने लिए हैं, अगर आपके पास बड़े बड़े होंगे चार पाँच चलेगा। ये मैंने बॉईल करके इसमें मैंने स्मैश करके रखा हुआ है। और इसके लिए चाहिए हमें ये प्याज चाहिए, ये दो छोटी प्याज मैंने कट करके ली है। अगर आपके पास बड़ी प्याज होगी तो एक बड़ी प्याज ले सकते हो। इसके साथ ही मैंने लिया है 1.5 कप हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट ली है, और ये लिया है मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। अगर आपको पूरा मिक्स करके पीसना होगा तो भी आप पीस कर ले सकते हो। और लिया है मैंने ये तेल, ये करी पत्ता लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट किया है, क्योंकि बड़े बड़े होंगे तो बच्चे खाते नहीं है, ऐसा होगा तो आराम से मतलब खा जाते ही है। ये लिया है मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, ये मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया है, ये 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, और ये कोथमीर लिया है। चलो अब हम सब्जी बनाते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसके अंदर मैंने तेल डाला है। अब मैं डाल दूंगी ये जीरा, अगर आपको राई डालनी होगी तो आप राई भी डाल सकते हो, मैं राई नहीं डालती। अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे, अब मैं इसमें ये प्याज डालती हूँ। अब मैं डालती हूँ इसमें हरी मिर्च लहसुन की पेस्ट और ये अदरक और लहसुन की पेस्ट। ये कैसा मैं पीस कर रखती हूँ इसलिए मैंने अलग अलग डाला है, अगर आपको एक साथ पीसना होगा तो पीस सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे, अब हम इसमें ये नमक डाल देंगे, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कोथमीर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमको कम ही रखनी है, अगर बड़े पे रखेंगे तो ये पूरा जल जाएगा। और अच्छे से इसे चला लें, 5 मिनट के लिए चलाएंगे, फिर हम गैस बंद कर देंगे। देखो ये हो गई हमारी आलू की सब्जी। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे बाउल में निकल लेती हूँ ठंडे होने के लिए। देखो अब मैंने दो टाइप के स्लरी के लिए लिया है बैटर बनाने के लिए। मैं मैदे में भी बनाऊंगी, ये मैं बेसन में भी बनाऊंगी और मैं मैदे में भी बनाऊंगी। जिसको बेसन में खाना हो बेसन में डालकर खा सकते हैं, किसी को मैदे में खाना होगा तो मैदे में खा सकते हो। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप बेसन लिया है मैंने, इसके अंदर मैंने डाली है अजवाइन 1 टीस्पून डाली है, नमक स्वाद अनुसार डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली हुई है, और ये लिया है मैंने मैदा। ये मैंने मैदा लिया है 1 कप लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ी अजवाइन डाली है और नमक डाला है स्वाद अनुसार। अब इसमें हम पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। देखो अब हम इसमें बैटर पानी डाल देते हैं। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है।
देखो ये हो गया हमारा बेसन वाला बैटर, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब हम बनाएंगे मैदे वाला, पहले मिक्स कर लेंगे इसमें। अगर आपको दोनों इसमें करना चाहते हो, इसमें लाल चटनी भी डाल सकते हो आप, लाल चटनी पाउडर, वो थोड़ी डाले तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसा बेसन का किया है वैसे ही मैदे का भी करना है। देखो ये हो गया हमारा मैदे वाला बैटर, अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। देखो हमने ब्रेड लिए हैं, अब ये ब्रेड लिए हैं, इसके हमको किनारे कट करने हैं। अगर आपको नहीं करना हो तो आप नहीं कर सकते हो, अगर निकालना हो तो निकाल सकते हो। मैं इसे कट करती हूँ। इसका आप मीठा भी बना सकते हो, इसको सुखा कर पीस कर ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हो। ये देखो, और हमें कट करना है ऐसे, कोई भी शेप में आप लोग कर सकते हो। या अगर ऐसा पूरा भी ले लिए तो भी चलेगा। मैं इसे कट करती हूँ, वो बहुत ही बड़ा बड़ा दिखता है इसलिए मैं इसे, देखो अब मैं स्क्वायर में भी बताती हूँ आपको कट करके। ये देखो अब ऐसे भी आप ले सकते हो। अगर बड़ा ब्रेड होगा आपका और इसके आधे भी कर सकते हो, ऐसे लिए तो भी चलेगा। ये मेरे छोटे ब्रेड हैं। और एक बताती हूँ, देखो ये मैंने बड़े वाले भी किए, ये वाले भी किए और ये छोटे छोटे भी हैं। अब हम इसके अंदर ये आलू वाली स्टफिंग डाल देते हैं। अच्छे से बराबर डालनी है। और इसके ऊपर ये दूसरा वाला ब्रेड रखना है और इसे थोड़ा सा दबाना है ताकि ये इसके अंदर से आलू ना निकले। ऐसे अब हम पूरे बना कर लेते हैं। देखो ये मेरे ब्रेड हो गए आलू ब्रेड। अब मैं आपको तल कर बताती हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल रखा है गरम के लिए, गरम हो गया है। अब मैं पहले बेसन वाला बताती हूँ आपको। ये देखो एक ले लिया, ये इसको हम इसके अंदर डिप कर लेंगे। और एक बताती हूँ मैं, अब मैं मैदे वाला बताती हूँ। और एक बताती हूँ, ऐसे हम इसे भी तल लेंगे। ज्यादा मत डालो नहीं तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। अच्छे से इसे तल लेंगे। देखो यह हो गया हमारा, ये देखो ऐसा करना है।
अब हम इसमें निकाल लेते हैं। और मैं अभी डालती हूँ, ऐसे ही अब हम और बना लेते हैं। ये देखो ये बन गए हमारे, आप क्या बोलेंगे, ब्रेड पैटीज, ब्रेड सैंडविच हो गए। ये देखो मैंने, ये मैदे वाले हैं, ये बेसन वाले हैं, बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं। आपको जैसे बनाना है आप बना सकते हो। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ और टेस्ट भी करके बताती हूँ। ये देखो ये केचप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और ये आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो। बहुत टेस्टी लग रहे हैं, आप भी बनाओ, सबको खिलाओ, बच्चों के टिफिन में भी दो, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।